हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रणय और आज से हम लोग एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जो कि स्पेक्ट्रम बुक जो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उस पर वो भी हिंदी में। सो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, इफ़ यू वांट इट इन इंग्लिश, सो यू कैन सर्च इट इन आवर चैनल इटसेल्फ, देयर इज़ अनदर प्लेलिस्ट इन इंग्लिश। सो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ आप व्हाट्सअप कीजिए, जो नंबर दिया गया है आपके सामने इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए किसी भी क्वेरी के लिए। आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए या आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज़ इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा क्लास के बाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आपके डेली अपडेट्स के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, सोर्सेस ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जो भी मेजर सोर्सेस हैं जहाँ से हमें चीज़ें पता चली हैं, हम जो क्रिएट किए हैं अभी तक, जो भी हिस्ट्री है, जो भी हम लोगों ने अज्यूम किया है या जो हम लोग मानते हुए चल रहे हैं, ये सभी कहाँ से हमें पता चली हैं, ये सब इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, सो पहली चीज़ होती है आर्काइव्स। सो आर्काइव्स क्या चीज़ है? बेसिकली आर्काइव्स है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सो जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होती हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की कोई पेपर हो, गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन हो, या जैसे कि अभी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे, उस रिफॉर्म्स के टाइम पे जो पब्लिश किए गए थे, न्यूज़पेपर में पब्लिश किए गए थे, और जो रिफॉर्म्स के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस थे जिसमें सब इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, वो किसी जगह पे सेव किए होंगे, और उसी तरीके से उनके हिसाब से जो न्यूज़पेपर्स बनाए गए थे उस टाइम पे, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश हुए थे और लोग जर्नल्स लिख रहे थे। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ये सोर्सेस के नीचे आएंगी, और उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आर्काइव्स। ठीक है, ये आर्काइव्स जो है ये कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स मानी जाती हैं। ठीक है, एज पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी। ठीक है, जो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो गया, या कोई लीगल एक्टिविटी हो गया, या कोई सोशल और कमर्शियल एक्टिविटी हो गया। फॉर एग्जांपल हम लोग एक रॉयल फरमान के बारे में जानते हैं। वो कैसे पता है? क्योंकि वो रॉयल फरमान जिस टाइम पे इशू किया गया था, वो एक एंटिटी की तरह इशू किया गया था, वो एक आइटम था। तो आइटम अगर अभी तक अगर सिक्योर्ड है तो उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, और ऊपर से जो फरमान है उसके बारे में न्यूज़पेपरों में लिखा गया होगा, और उसके बारे में कहीं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया होगा। फरमान किसने इशू किया, किसको इशू किया, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं लिखी गई होंगी। तो यही चीज़ उसे हम पता करते हैं, और ये चीज़ जो चीज़ें लिखी गई थी उस समय पे, वो हमारे लिए नहीं लिखी गई थी, वो उनके कामों के लिए, उनके डिटेल्स सेव करने के लिए लिखी गई थी, और हम उसको देखते हुए हिस्ट्री को एक स्पेसिफिक वे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हम लोग बोले थे अभी अभी, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं वेरियस लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिकॉर्ड्स बनाती है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बनाती है, फिर यू नो तालुक लेवल पे रिकॉर्ड्स बनाती है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हुए हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, सो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यू नो जो रिकॉर्ड्स थे, जो ट्रेडिंग करते हुए जो रिकॉर्ड्स थे, जो 1600 से 1857 के बीच के, तो वो सब रिकॉर्ड्स मेजर वॉल्यूम्स में सेव किए गए थे। वो उस टाइम सब चीज़ें वो लोग लिखा करते थे, हर मीटिंग के मिनट्स लिखा करते थे, हर इंफॉर्मेशन सेव करके रखा करते थे, जिसके वजह से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, और उसी तरीके से अलग दूसरे जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं, जैसे कि पोर्तगीज़ कंपनी थी, डच की कंपनी थी, फ्रेंच की कंपनी थी, इन सब के भी अलग अलग जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो जो गवर्नमेंट के तरफ से जो रिलीज़ करते थे, उनके कंपनी के तरफ से जो रिलीज़ करते थे, वो सभी
सेव किए जाते हैं। ऑल्सो बायोग्राफीज हो गए, किसी ने बायोग्राफी लिखी है, किसी ने ट्रैवल अकाउंट लिखी है, कोई विदेशी इंडिया में आया था और इंडिया में रह के गया और उसने लिखा इंडिया की सिचुएशन क्या थी उस टाइम, उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या चीज़ें किस तरीके के इश्यूज थे उस समय, किस तरीके प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग और किस तरीके का जीवन था, किस तरीके का पॉलिटी था उस समय, जो ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस समय उन्होंने किस तरीके का रूल किया, ठीक है, वो सभी इन्फॉर्मेशन इनके ट्रैवल अकाउंट्स में और बायोग्राफीज में सेव्ड है। ऊपर से न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, लोगों के जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। हर एक स्टेप, हर दिन, क्योंकि न्यूज़पेपर्स मोर और लेस हर दिन रिलीज़ हुआ करते थे, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स बहुत एक्सटेंसिवली कवर करती थी, हर माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल। तो इन न्यूज़पेपर को एनालाइज करके, इन न्यूज़पेपरों को पढ़ के काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है। इवन जर्नल्स जो मेजर रेवोल्यूशनरी पीपल थे उन लोगों के जो जर्नल्स थे उसमें भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड किया है कि किस तरीके के पॉलिसीज चलती थी, किस तरीके का दुख होता था बाकी के लोगों को उन पॉलिसीज़ की वजह से, ऐसे सारी चीज़ें थी। और भी कुछ सोर्सेस हैं जो जैसे कि ओरल एविडेंसेस हैं, क्रिएटिव लिटरेचर और पेंटिंग्स हैं। ओरल एविडेंसेस को बहुत कम माना जाता है क्योंकि लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, लोग बात को बदल के बोल देते हैं, तो ओरल एविडेंस को बहुत कम मायने में रख के बाकी चीज़ों को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि क्रिएटिव लिटरेचर है, किताबें हैं जो लोगों ने लिख रखी हैं, जैसे कि वंदे मातरम जो किताब लिखी हुई है, उस तरीके के जो लिटरेचर आइटम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मायने रख के उनमें से काफ़ी सारे चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके हिस्ट्री में डाली गई हैं। ऊपर से पेंटिंग्स हो गई, पेंटिंग्स जो ब्रिटिश समय के जो प्रिंट पेंटिंग्स थे वो काफ़ी ब्रिटिश ओरिएंटेड थे, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिशरों के तरफ ज़्यादा उनको दिखाया जाता था कि ब्रिटिशर्स इतने महान थे, ब्रिटिशर्स ने इन इतना काम किया, इतने सारे लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स की अलग ही इम्पोर्टेंस थी, उस तरीके से था। तो जो पेंटिंग्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोई इवेंट हो गया या कोई ब्रिटिशर किसी राजा के दरबार में गए थे तो उसका भी इमेज है, तो उससे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। आर्काइवल मटेरियल्स बेसिकली चार तरीके के हैं। एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा है इंटरमीडिएट और सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज़, जैसे कि कोई कलेक्टर हो गया या कहीं का पुलिस वाला हो गया या कोई भी, मतलब जो बीच में है, जो मेजरली स्टेट के बाद जो डिविजनल अथॉरिटीज़ हैं उनके तरफ से, और दूसरे हो चौथे हो गए जुडिशियल रिकॉर्ड्स, बेसिकली जो जजेस जो पास करते थे, जो डिटेल्स जो ट्रायल केसेस में हुआ करती थी उन सब के जुडिशियल रिकॉर्ड्स में होते हैं। और काफ़ी सारे प्राइवेट आर्काइव्स भी होते हैं जो कि जो लोग लिखते हैं या लोग अपने लिए सेव कर लेते हैं कि हाँ भाई मैंने डायरी लिखी है आज, ठीक है, आज ऐसा ऐसा हुआ था, आज सो एंड सो चीज़ हुई थी, वो सब चीज़ें जो प्राइवेटली लिखते हैं उनको भी काफ़ी हद तक कंसिडर किया गया है उसको एक सब्स्टिट्यूट मटेरियल समझ के, एक सप्लीमेंट्री मटेरियल समझ के, जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअल गवर्नमेंट पेपर से मिल रही है और अलग अलग जगहों से मिल रही है उनको इन चीज़ों से सप्लीमेंट किया गया है। हम लोग अभी देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स। मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स हैं ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली, यहाँ पे पूरे के पूरे सेव करके रखे हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है। जेम्स रेनल जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे उनके द्वारा जो सर्वे किए गए थे, इंडिया के जो मेजर सर्वे किए गए थे जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स हो गए या अलग अलग इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स हो गए, किस प्लेस पे कितनी जनसंख्या है, किस प्लेस पे कितना किस तरीके का वेजिटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी उस जो सर्वे किए गए थे स्टार्टिंग में, तो उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं
काफ़ी सारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी पता चल जाती हैं और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, कहाँ पे किस समय क्या चल रहा था, कहाँ पे रेवोल्यूशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था, कहाँ पे लोग ठंडे पड़े हुए थे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वाला हिसाब किताब लेके। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सर्वे हुआ था उसके थ्रू काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिला था। ठीक है, और पब्लिक जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स, इनका जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ करते थे, जो डे टू डे बिजनेसेस हुआ करते थे उनके डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें से भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था। और नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू हम लोगों के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बने थे होम डिपार्टमेंट के तरफ से। ठीक है, तो वो ये होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स, ये भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए थे। ऊपर से द रिफॉर्म्स ऑफिस ऑल्सो, ये भी काफ़ी सारे अब हम लोगों को एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा प्रोवाइड किया था। ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, अभी जो नई दिल्ली में है। अगर आप कभी नई दिल्ली जाएँ तो एक बार देखें, वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी स्टार्टिंग से है। ठीक है, ये है अंदर का व्यू, बहुत बड़ा है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, काफ़ी सारे किताबें हैं, काफ़ी सारे पुराने जो आर्काइव्स हैं सब कुछ है वहाँ पे, काफ़ी सेफली प्रिजर्व करके रखी गई हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट, कमिंग टू दी आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सो ये जो थे बेसिकली जो स्टेट लेवल पे जो आर्काइव्स बनाए गए थे, जो कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से बने थे, या वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन लोगों से जो लिखी गई आर्काइव्स थे, उन लोगों के जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन के जो चीज़ें हुआ करती थी, और ऊपर से फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, अदर देन दोस ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अलावा और भी काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेशंस थे, जो पोर्तुगीज थे, डच थे, तो इन सब के भी आर्काइव्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये किंगडम ऑफ लाहौर, जो खालसा दरबार रिकॉर्ड्स के नाम पे जाना जाता है, तो ये भी एक काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऊपर से पेशवा दफ्तर, ठीक है, एलिनेशन ऑफिस पुणे में है, वो भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है मराठा एम्पायर के बारे में। जो मराठा एम्पायर था ऑलमोस्ट जब तक पेशवा का जो अंत हुआ था तब तक हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है उसमें, ऑलमोस्ट 100 साल का इन्फॉर्मेशन उसमें है। और बात आई राजस्थान की, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये जो छोटे छोटे राज थे, जो छोटे छोटे राजा है जो मेंटेन किया करते थे, उन सब के राजस्थान स्टेट अच्छे बीकानेर में है। सो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स में उनके जो मेजर छोटे छोटे जो राज थे, जो छोटे राजाएं चलाया करते थे, उनके जो मेजर आर्काइव्स हैं वो सभी वहीं पे हैं, उनके मेजर जो स्टेट के अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डोगरा रूल का है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रेवा, ये सब मध्य प्रदेश में है। त्रावणकोर और कोचिन का केरला में है, और मैसूर और कर्नाटका, मैसूर का कर्नाटका में, और कोल्हापुर का महाराष्ट्र का है। ओके, सो थ्री प्रेजिडेंसीज, ये जो स्टेट्स थे उसके सिवा और एक थ्री प्रेजिडेंसीज थी। क्या थी? एक तो बंगाल थी, दूसरी मद्रास, और तीसरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो फोर्ट विलियम्स जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, ये जो 1756 में जो कलकत्ता में जो इशू हुआ था, सैक ऑफ कलकत्ता, उस टाइम पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन खो गई थी, बट उसके बाद जो है काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन सेव करके रखा है। ठीक है, स्पेसिफिकली प्लासी के बाद जो हुआ है, बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन परफेक्टली सेव्ड है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन सेव्ड है स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में। ओके, और मद्रास प्रेसिडेंसी मोस्टली 1670 के आसपास से स्टार्ट हुई है, जो इन्फॉर्मेशन सेव करने की बारी आई थी एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, सो ये भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है रिगार्डिंग डेक्कन राइवलरीज और एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। ठीक है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। और तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में है, सो वहीं पे सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस मुंबई में, वहीं पे सेव करके रखा है। इसमें ही काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र का, गुजरात का, कनाडा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है, इन सब चीज़ों का वहीं पर है। सो जो बाहर से अलग जो पावर्स आए थे ब्रिटिश के अलावा, जैसे कि पोर्टुगीज़ हुए, तो ये गोवा में है। आदर जो भी इंफॉर्मेशन मेजरली जो आर्काइव्स हैं वो गोवा में है, मेजरली 1700 to 1900 के बीच के। ठीक है, सो काफ़ी सारे जो लिस्बॉन और गोवा के बीच में जो ट्रेडिंग्स हुए थे, ठीक
ठीक है, जो लिस्बोन से जो ऑर्डर डिस्पैच हुआ करते थे और गोवा में रिसीव किए जाते थे, और गोवा से जो रिलीज़ किया जाता था, मतलब रेस्पॉन्स जो भी है वो फिर भेजा जाता था, तो ये सभी इंफॉर्मेशन गोवा में भी है एज़ वेल एज़ पुर्तगाल में भी है। ओके, और डच रिकॉर्ड्स ऑफ कोचिन एंड मालाबार आर इन मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस। तो ये डच के जो इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली कोचिन और मालाबार के रिलेटेड, वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में है। एंड चिंसूरा इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो चिंसूरा का है उसके आर्काइव्स पूरे वेस्ट बंगाल में है। सो द फ्रेंच आर्काइव्स ऑफ चंदर नागौर एंड पॉन्डिचेरी, ठीक है, वो पेरिस लेके गए थे बाई फ्रेंच अथॉरिटीज़। ठीक है, उससे ख़त्म होने से पहले ही फ्रेंच ख़त्म होने से पहले इंडिया में, सो वो सब कुछ पेरिस लेके चले गए थे। ठीक है, सो डैनिश के जो थे वो कोपेनहेगन और त्रांकोबर और सेरमपुर जब बेच दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे पहले ही लेके चले गए थे। ओके, वो कोपेनहेगन में है अभी वो। ठीक है, जो बचे पुछे कुछ भी है वो अभी मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में ही है। ओके, अभी जुडिशियल रिकॉर्ड जो हम लोगों ने बोला था, जो जज के प्रोसीडिंग्स होते हैं या कोई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होते हैं, उसके जो इन्फॉर्मेशन है मेजरली जुडिशियल रिकॉर्ड्स के नीचे आती हैं, तो मेजरली मद्रास रिकॉर्ड हाउस में ही सेव्ड है। ठीक है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो स्टार्टिंग से हैं, ठीक है, और प्री प्लासी रिकॉर्ड्स ऑफ मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट विलियम्स। ओके, ये जो है ये लॉस्ट हुए थे, ठीक है, जो प्लासी से पहले जो हुआ था, ठीक है, वो जो एक्चुअल में कलकत्ता में थे तो वहाँ से मिस हुए। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे 1728, ठीक है, ये महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में है। ठीक है, उसके बाद जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रहता है, जैसे कि जो भी उनके मीटिंग्स होते हैं या जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उन सबको नोट किया जाता है, हर एक चीज़ जो बोला जा रहा है या जो भी किया जा रहा है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ऊपर से कॉपीज ऑफ विल्स और प्रोबेट्स, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सभी अपने अपने जगह पे सेव की गई है। और पब्लिश्ड आर्काइव्स जो ये हैं जो बेसिकली पार्लियामेंट्री डिस्कशन में जो होती हैं उनको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यूजुअली लोगों को पब्लिश किया जाता है एक रिपोर्ट के रूप में, तो ये और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के जो रिपोर्ट्स होते हैं ये सभी प्रॉपरली पब्लिश किए जाते थे, तो ये भी प्रॉपरली सेव किए गए हैं। ओके, और ऊपर से इंडियन एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, बेसिकली जो मेजर सेंट्रल प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेचर और एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, उनका भी जो वीकली गैजेट्स होते हैं या उनके तरफ से जो भी लॉस पास होती थी या रिकॉर्ड्स पास होती थी वो भी सेव किए गए हैं। प्राइवेट आर्काइव, जैसे किसी ने डायरी लिखी या किसी ने एक पेपर लिखा, ऐसे जो छोटे छोटे प्राइवेट आर्काइव्स जो थे जो फैमिली के द्वारा लिखे जाते थे या किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिखे जाते थे वो भी सेव किए गए हैं। सो ज़्यादातर बेसिकली ये देखिए ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेसिकली INC के जो लोग थे, तो वो ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली यहाँ पे सेव किए गए हैं। ऊपर से बैंक और बिजनेस हाउसेस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनके भी काफ़ी सारा जो इकोनॉमिक चेंज है मेजरली उनके बारे में उसमें काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ है और वो भी काफ़ी प्रिजर्व किए गए हैं। क्योंकि ये जो फॉरेन रिपोजिटरीज हैं जो बेसिकली जो बाहर के देश जो लेके गए थे यहाँ से हम लोगों के इंडिया से, सो वो वहाँ पे भी स्पेसिफिकली सेव करके रखे गए हैं। जैसे कि लंदन में इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स करके है, तो यहाँ पे सेव किया गया है ब्रिटिश म्यूजियम में। सो यहाँ पे जो भी इंडिया में जो भी हुआ था, देखिए मिनट्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द जनरल कोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें जो भी डिस्कशन हुआ करता था उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया गया है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स, ठीक है, ये भी जो भी इंडिया के रिलेटेड जो लोग थे, लाइक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया, नहीं तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, नहीं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन काउंसिल हो गया, तो ये सभी ब्रिटिश म्यूजियम में काफ़ी सेव करके रखे हैं, जिसमें ब्रिटिश म्यूजियम में इंडियन इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स करके है उसमें काफ़ी सारे करके रखे हैं। ऊपर से जो मिशनरी सोसाइटीज़ थी जो इंडिया में आई थी,
या क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटीज़, उनका भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, इनमें काफ़ी सारे चीज़ें सेव करके रखी गई हैं। ऊपर से जो फ्रेंच के थे वो पेरिस में सेव किए गए हैं, आर्काइव्स नेशनल है, ठीक है, सो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नीचे, उनके नीचे, ठीक है, कॉलोनीस एंड वॉर डिपार्टमेंट में भी, तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो यहाँ के थे वो लेके जाके वहाँ पे काफ़ी सेव कर गए हैं, ओके। और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सेव कर गए हैं, और हेग के, डैनिश के हेग में है, पुर्तगीज का कोपेनहेगन में है, ओके। सो ये जो थे ये बेसिकली जो आके चले गए, बट हमारा जो इंडिया का पार्ट जो बना था पाकिस्तान, ठीक है, सो इंडिया में से काट के बनाया गया था, तो वो भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से। तो पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस लाहौर जो है उसमें, एंड रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर, ठीक है, सो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस समय का और जो उस समय के जो रिलेशंस थे इंडिया के अफगानिस्तान, ईरान और अदर कंट्रीज़ के साथ भी, वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिवली प्रोवाइड करी गई है, ओके। और बात आती है बायोग्राफीज़, जो लोगों ने लिखी हैं, मतलब खुद के बायोग्राफी लिखी हैं, किसी ने खुद के, किसी ने एक मेमोयर लिखा है, या किसी ने ट्रैवल अकाउंट लिखा है, कभी ट्रैवल करते हुए कहीं दूर से आया था, इंडिया में आके कंडीशंस देखा, लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो लिखी गई थी वो भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिकली जो मिशनरीज़ जो थी, जो मिशनरी के जो लोग थे, तो उन लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है। तो बिशप हेबर का जो जर्नल था, और अबे दुबोइस हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स करके एक जर्नल था, इसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है ऑन सोशो इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, सो जो कंडीशंस थी इंडिया की उस समय, ठीक है, सो उस समय के बारे में काफ़ी एक्सटेंसिवली उन लोगों ने कवर किया है उनके जर्नल्स में, ठीक है। सो मेजर ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो ट्रैवल अकाउंट्स लिखे थे वो थे जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हैंग, जेम्स बुर्नेस, अलेक्जेंडर बुर्नेस, सी जे सी डेविडसन एंड जॉन बटलर, ये मेजर लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवलिंग के बारे, जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अपने ट्रैवल अकाउंट्स के बारे में लिखा था। और जो नॉन ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो मेजर थे वो थे विक्टर जैकोमोंट और बैरन चार्ल्स, ठीक है, और विलियम मोरक्रॉफ्ट, ठीक है, ये तीन चार लोग हैं जिन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया है, उनके जो ट्रैवल अकाउंट्स है उनमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, ओके। बात आती है न्यूज़पेपर्स, जो दिन भर दिन जो हुआ करता था, जिन जो चीज़ें चला करती थी वो न्यूज़पेपर और जर्नल्स में काफ़ी एक्सटेंसिवली दिया जाता है। इवन अभी भी जो न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं, हर एक दिन जो भी चीज़ हो रही है प्रॉपर वे में प्रोवाइड की जाती है न्यूज़पेपरों में। इन द सेम वे जो भी उस समय जो हुआ करता था, काफ़ी रेवोल्यूशनरी लोगों ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे ज़्यादातर, तो काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया गया था, उनके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस हुआ करती थी, काफ़ी सारे डिस्कशंस डिबेट्स हुआ करते थे जो न्यूज़पेपर में आया करता था, तो काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन रहा करती थी उस समय, ठीक है। सो जो मेजर फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसको माना जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। सो ये जो स्टार्टिंग के जो थे वो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ ने स्टार्ट किया था, जो कि माल प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट ट्रेड, मतलब जो प्राइवेट अपना जो एम्प्लॉयज़ होते हुए भी खुद का जो प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, उनके जो गलतियां थी, उन्होंने जो गलत काम किए थे उनको एक्सपोज करने के लिए ये एक्चुअल में शुरू किया था, ठीक है। सो धीरे धीरे जेम्स अगस्टस हिकी पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है, टाइटल द बंगाल गैजेट और कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का, ठीक है। बट इसको भी 2 साल में सीज किया गया, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म लिखा करते थे गवर्नमेंट के बारे में, काफ़ी एनालिटिकल लिखा करते थे लोगों को समझाने के लिए, जो ट्रांसपेरेंसी है उसको क्रिएट करने के लिए, बट जो कि ब्रिटिश को पसंद नहीं है और उसको 2 साल में सीज कर दिया गया। उसके बाद जो मेजर थे तो कलकत्ता गजट थी 1784 में,
मद्रास कुरियर थी 1788 में, द बॉम्बे हेराल्ड थी 1789 में, ठीक है। ये आपको ये एक चीज़ देखनी है, ये जो क्रोनोलॉजी है इसको आप थोड़ा याद रखें, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव में। 1780 में फर्स्ट न्यूज़पेपर था हमारा, ठीक है, द बंगाल गेजेट। उसके बाद 1784 में द कलकत्ता गेजेट, उसके बाद मद्रास कुरियर, फिर बॉम्बे हेराल्ड, ठीक है। और जो 19th सेंचुरी का जो सेकंड पार्ट था, ये तो आप अभी ये जो देखें आप जो यू नो 18th सेंचुरी के एंडिंग में था, बट 19th सेंचुरी के जो सेकंड पार्ट में था तो वो काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा करते थे, काफ़ी पावरफुल न्यूज़पेपर्स उस समय आई थी जो काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस लिखा करते थे, काफ़ी डीप नॉलेज प्रोवाइड करते थे लोगों को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दी फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वर जर्नलिस्ट। सो 1/3 जो थे वो सब जर्नलिस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी, ठीक है। सब मेजर जो न्यूज़पेपर्स थे, द हिंदू, ठीक है, जो हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, वो कब की है आप समझ जाइए, ठीक है। केसरी महाराठा अंडर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड बंगाली अंडर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुधारक अंडर गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर अंडर एन एन सेन, वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादाभाई नौरोजी, हिंदुस्तान एडवोकेट अंडर जी पी वर्मा, ओके। ये देखिए, ये थे स्टार्टिंग के कुछ न्यूज़पेपर, केसरी हो गया, ये महाराठा हो गया, ठीक है, हरिजन, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड, ये जो मेजर न्यूज़पेपर्स थे उस समय के। आप और भी चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ओके। ये देखिए डेली गेजेट 1916 का एक न्यूज़पेपर है, कराची का एडिशन, ठीक है। आप देखिए, ये देखिए अलायंस बैंक ऑफ शिमला लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है इसमें डाला जाता था, ओके। सो और मेजर जो अलग न्यूज़पेपर्स हैं, ये है ट्रिब्यून है, अकबरियाम है इन पंजाब, ओके, इंदू प्रकाश, ध्यान प्रकाश, काल गुजराती, ये बॉम्बे के हैं, सोम प्रकाश बंगा निवासी, साधारिणी, ये सब बंगाल के थे, ठीक है। सो और जो इंडियन नेशनलिस्ट जो बाहर से लिखा करते थे, मतलब ये जो न्यूज़पेपर्स अभी तक हमने देखा जो इंडिया में थी, बट बाहर से भी काफ़ी सारे लोगों ने लिखा है, जैसे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट करके जो लंदन में है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, ओके, बंदे मातरम पेरिस में मैडम कामा, तलवार बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और गदर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, ठीक है। ये सभी बाहर से रहते हुए भी काफ़ी सारा यू नो प्रेशर डाला करते थे लोगों के अंदर कि वो एक नेशनलिज्म जागे, एक गर्मी जागे लोगों के बीच में, ओके। और दूसरी बात आती है क्रिएटिव लिटरेचर, जो लोग किताबें लिखा करते थे, नॉवल की तरह लिखा करते थे, पोएम की तरह लिखा करते थे, ये भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। एक नॉवल या एक पोएम या कोई भी एक लिटरेचर जो उस समय जो इम्पोर्टेंट लोगों ने लिखी थी, वो भी काफ़ी सारा डीपली, मतलब उस समय के जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग के जो इम्पोर्टेंट थे, ये थे बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो कि बंगाली में थे, ठीक है, ये 1838 टू 94 के बीच में थे बेसिकली। सो इनका जो मेजर था आनंद मठ, ठीक है, 1882 बेसिकली इन्होंने जो वंदे मातरम जो है ये इन्हीं में से आया हुआ है, और सन्यासी रिवोल्ट 1760s का, तो इनको काफ़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने मेंशन किया है। सो इनका जो लास्ट नॉवल है राजसिम्हा, ठीक है, उसको माना जाता है ग्रैंड फिनाले उनका करियर का, ठीक है। और इच्छाराम सूर्याराम देसाई, इनका जो था ये बेसिकली गुजराती में ज़्यादातर हिस्ट्री के वो थे, ठीक है। सो उनका हिंद आने ब्रिटानिया, ठीक है, इनका जो मेजर वो था, तो इनका स्टार्टिंग का जो था ये लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये, ओके। उसके बाद आते हैं तमिल के गिरिजा देवी और रामा तिरुमल, ओके, इन्होंने मोहना राजानी करके एक लिखा है, और दासिकालीन मोसावलाई, ओके, ये 1936 में लिखा है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था,
और जी वी कृष्णा राव के कीलू बोम्मलू करके एक लिखा है, ओके, द पपेट्स उसका मतलब, ठीक है, इन तेलुगु, ओके। सो ये भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन रूरल लोगों के बारे में लिखा था। और वाईकम मोहम्मद बशीर, इन्होंने लिखा था मलयालम में, ओके। फेमस नॉवल है उनका बाल्य काला सखी, बाल्य कला सखी, ओके, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, ये 1944 के आसपास, एक ट्रैजिक लव, टेल ऑफ लव एक, ठीक है। उसके बाद ताकाजी शिवा शंकर पिल्लई, ओके। सो इनके मलयालम में ही था, टोटीयुडे मकान, सन ऑफ स्कैवेंजर एंड चेम्मीन श्रिम्प्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लिटरेचर था। और बात आती है पेंटिंग्स की, हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में बात किया था, पेंटिंग्स का जो एक जो नज़रिया है वो काफ़ी अलग तरीके का है। मतलब जो पेंटिंग्स जो ब्रिटिशर्स बनवाया करते थे, जो पेंटिंग ब्रिटिशर के तरफ से बनाई जाती थी, उसमें काफ़ी ब्रिटिशर्स के तरफ एक बायास्डनेस था, उनको ऊंचा दिखाना, उनको काफ़ी बड़ा दिखाना और इंडियंस को काफ़ी नीचा दिखाना, ओके। जैसे कि बड़े से बड़ा राजा भी खड़ा है, ऐसे भी काफ़ी सारे चीज़ें इमेजेस देखी गई हैं उनके टाइम की पेंटिंग्स। बेसिकली बेसिकली उनका एक बोस्टिंग नेचर जो था ब्रिटिशर्स का, वो इसमें ज़्यादातर दिखाया जाता था, ठीक है। ये कंपनी की जो पेंटिंग्स थी वो पटना कलम के नाम से जानी जाती थी बेसिकली, ठीक है। सो इसमें ज़्यादातर पीपल और सीन्स जो उस समय के जो थे, जैसे कि ट्रेड्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, या अटायर हो गए पीपल के, सो ये सभी उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली देखी जा सकती हैं, ठीक है। और बाकी पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स, ये सभी काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं, और काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन भी सेव करके रखा गया है, ठीक है। सो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बारकर इन 1859, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इन चीज़ों का कि ब्रिटिशर को एक हीरो के तरीके से दिखाया जाने वाला। इसमें देखिए, एक हेल्पलेस एंड इनोसेंट सीमिंगली वेटिंग फॉर द इनेविटेबल डिसऑनर, वायलेंस एंड डेथ, ठीक है। एक इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन है हडल्ड इन अ सर्कल, ठीक है। सो मतलब वहाँ पे इंडियंस को एक एक गलत नज़रिए से दिखाया गया है काफ़ी सारे पेंटिंग्स में, ओके। इवन पेंटिंग्स ऑफ म्यूटिनी पीरियड, जो रिवोल्ट हुआ था उस समय के भी काफ़ी सारा पेंटिंग्स करी गई थी, और काफ़ी सारे मतलब दोनों तरफ के थे, इवन ब्रिटिशर्स के तरफ के जो हमें गलत लगती हैं, और ब्रिटिशर्स हीरो की तरह लगते हैं, और हमारे तरफ के जो जो इंडियंस हैं वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी लगते हैं। सो दोनों तरफ के पेंटिंग्स दिखाए जाते थे, ठीक है। सो कालीघाट पेंटिंग जो मेजरली कलकत्ता की जो थी, जो पेंटिंग थी, वो बेसिकली एक मिथोलॉजिकल फिगर्स का ही नहीं, काफ़ी जो रेगुलर जो दिन में हुआ करते थे, जो कैजुअली जो चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ उसमें दिखाया गया है। जो भी सोशल इविल्स थी उस समय की, उस समय जो लोगों की जो परेशानियां थी, काफ़ी सारी उसमें दिखाने की कोशिश करी गई है, ओके। और आर्टिस्ट लाइक नंदलाल बोस एंड राजा रवि वर्मा, सो ये जो मेजर जो जो आर्ट का जो नया मूवमेंट था, जो नेशनलिज्म को दिखाया कर रहे थे, तो ये जो नंदलाल बोस हैं और राजा रवि वर्मा जी हैं, तो उस समय से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पेंटिंग्स करने लगे थे। और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो मेजरली अभिनंदन टैगोर, जो कि नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और ई बी हेवल, टू ज्वाइन दी आर्ट स्कूल इन कलकत्ता एज प्रिंसिपल, और आनंदा केंटिश कुमारस्वामी, ओके। सो ये भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो ये देखिए, ये एक वन ऑफ द पेंटिंग है, ये एक राजा बैठे हुए और उनके चारों ब्रिटिश के लोग आराम से काफ़ी कैजुअली बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके की पेंटिंग बनाया करते थे, मतलब एक्चुअली दरबार में इतने सारे लोग बैठा करते थे या नहीं, हमें नहीं पता, बट पेंटिंग्स उस तरीके से डिपिक्ट करते हैं, ओके।
चलो आज के लिए इतना ही, और आगे जो सेकंड चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, कुछ चेंजेस चाहिए आपको मेरी लैंग्वेज में, कुछ चेंजेस चाहिए आपको, जो भी है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।